हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रेटजिक तैयारी चैनल। ईआरओ स्टेज वन का 24th को एग्जाम है, ठीक है। तो अब केवल 2 दिन बचे हैं। जो भी हमने तैयारी की है 20-25 दिन में, जो हमारी स्ट्रेटजी थी उसके आधार पे हमने सब कुछ लगभग लगभग पढ़ लिया है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी समस्या जो है कि हम भूल रहे हैं, सब भूल चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इतने कम समय में इतने ज़्यादा पढ़ाई की ही नहीं जा सकती जितनी आपने कर ली है। तो जाहिर सी बात है, इतना डेटा एकदम से भरेंगे, सालों की इतनी बड़ी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और मैथमेटिक्स और इंग्लिश वगैरह है, वो इतना करेंगे तो जाहिर सी बात निकलेगा, स्किप करेगा, क्योंकि रिवीजन तो इतनी बार हो नहीं पाया है। तो आपके साथ अच्छी चीज़ ये है कि आपको पता चल रहा है कि आप भूल रहे हैं। जब आपको लगे आप भूल रहे हैं, इसका मतलब अब आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, आपने तैयारी का पहला पायदान, पहला पैर रख दिया है कि अब तैयारी आपकी स्टार्ट हो गई, क्योंकि आपने भूलना स्टार्ट कर दिया ना। भूलेंगे तो आप तब ना जब आप कुछ याद करेंगे, जब आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है तो कुछ तो भूलने की कोई बात ही नहीं होती है। दूसरी बात, एग्जाम को अगर किसी कभी भी निकालना हो या काउंटर करना हो तो उसके सबसे अच्छी चीज़ जो होती है वो होती है आपका माइंड। आपका माइंड एग्जाम को कैसे देखता है और कैसे वो उसका यूज कर सकता है, क्योंकि कम पढ़ाई में भी आप आउटपुट अच्छा दे सकते हैं, जिसे एफिशिएंसी कहते हैं, ठीक है। इसके लिए काम क्या आता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड, या फिर जिसे कह सकते हैं कॉमन सेंस, ठीक है। अगर आपने 20% भी या 30% नहीं पढ़ा, खाली कॉमन सेंस आपका पूरा पूरा काम करता है, तो आप अल्टीमेट एग्जाम निकाल लेते हैं, क्योंकि 60-70% ही कट ऑफ जाती है। और कॉमन सेंस खराब होता है तो आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, और कॉमन सेंस सही काम करता है तो जो क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, जिसमें डाउट्स होता है, वो भी सही हो जाते हैं, क्योंकि इतना तो आपने पढ़ ही लिया है कि आपको 2 ऑप्शन तो पता ही होंगे कि ये नहीं होंगे, बस 2 में खेलना होता है, और उस 2 में जो खेल जाता है उसी का सिलेक्शन हो जाता है। इस पर डिस्कस करेंगे। दूसरी बार डिस्कस करेंगे एग्जाम को हम देखें कैसे कि हमारा क्या हो। जैसा कि मैं जब एग्जाम देता था, मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैं एग्जाम के पहले तैयारी कैसे करता हूँ, 3-4 दिन पहले शेड्यूल बना, जैसे एग्जाम है उससे 3-4 पहले दिन, यानी कि 20 तारीख तक मेरी स्ट्रेटजी रहेगी 1 महीने की, कि मुझे बहुत पढ़ना है, ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और मुझे एक टारगेट है, मुझे ख़त्म करना है, ठीक है। तो इसको मैं पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा और ये मान लूंगा कि मेरा ही सिलेक्शन होगा, लेकिन लगा दो जरूर कि अगर मैं ये सब्जेक्ट पढ़ लूंगा तो उससे क्या होता था, प्रेशर बन जाता था दिमाग में कि ये नहीं पढ़ा तो सिलेक्शन नहीं होगा। इसी बहाने 1 महीने में जो 3-4 महीने का सिलेबस होता था वो मैं पढ़ लेता था, ठीक है। आपने भी यही किया है, मैंने आपको यही स्ट्रेटजी बनाई, यही चित्र मैंने आपको फॉलो भी कराया है, अगर आपने किया होगा निश्चित रूप से होगा। लेकिन अल्टीमेट अब क्या हुआ, अब सब भूलने लगे, तो अपनी स्ट्रेटजी को बदल दो। स्ट्रेटजी का मतलब ही होता है कि जो थोड़ी फ्लेक्सिबल हो उसको बदल दो, वरना कोई मतलब नहीं स्ट्रेटजी का, और कोई मतलब ही नहीं रह गया ना फिर तो। अब 2 दिन बचे हैं केवल, अब आप ये सोचो कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप ये मान लेंगे कि मेरा सिलेक्शन ही होगा, मैंने पढ़ूंगा ये हो जाएगा, अब क्या होगा, मैं भूल रहा हूँ, तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता, चाहे जितना आपने पढ़ाई की हो, क्योंकि पढ़ाई से नहीं, माइंड से होती है, माइंड मेकअप, प्रेजेंस ऑफ माइंड से होती है, और प्रेजेंस ऑफ माइंड कॉमन सेंस तभी काम करता है जब आपके ऊपर कोई प्रेशर ना रहे। तो इसलिए आप दिमाग में एक चीज बैठा लीजिए, इस एग्जाम को मैं देने जा रहा हूँ बोनस की तरह, एक तरीके से प्रैक्टिस की तरह। मेरा टारगेट लोअर पीसीएस है। जब दिमाग को आप प्रेशर को यहाँ शिफ्ट कर देंगे ना, तो इस एग्जाम में आपका कॉमन सेंस 100% काम करेगा, ठीक है। लेकिन अभी अपने आप को, दिमाग को, मन को इस तरह बेवकूफ बनाना है वो आपको खुद करना है। जो कर लेगा स्ट्रेटजी, उसका उसके चांसेस अपने आप 50% बढ़ जाएंगे। इसके लिए करना क्या है आपको, 2 दिन में आपको ये मान लेना है कि जो भी मैं पढ़ा था मैंने अभी तक, मैं सब भूल चुका हूँ। अपने दिमाग को, जैसे तुम्हारा मन कहता है कि यार मैं सब भूल रहा हूँ, तो कहो हाँ मैं सब भूल चुका हूँ, और मुझे याद भी नहीं रखना। अब मैं जो भी पढ़ूंगा 2 दिन, जितना मेरा सिलेबस है लूसेंट का, जो मैंने PDF दे रखी है GS की, या जो भी मैंने दे रखा हो कर लिया, या जो अपने करंट अफेयर्स पढ़ रखी हो पढ़ लीजिए, जो भी कर रहे हैं, या लूसेंट के, सबसे बड़ी जो चीज़ है लूसेंट में हाईलाइटेड पॉइंट्स ऐसे जो दिए हुए हैं वो पढ़ लेना, खासतौर से हिस्ट्री और ज्योग्राफी के जो लास्ट में दिया रहता है इंडियन और वर्ल्ड के, वो जरूर देख लेना, ठीक है। वो बहुत काम का है वर्ल्ड ज्योग्राफी में और इंडियन ज्योग्राफी में, और इंडिया और इंडियन हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज़्यादा पढ़ लेना आप, ठीक है। ये चीज़ हो गई। इसके बाद आप एक काम और कर सकते हैं कि ये करिए, आप 2 दिन आपने ये मान लिया, उसके बाद 2 दिन का जो पढ़ाई है ना उसको आप बोनस मानिए, आप कि मैं बोनस दे रहा हूँ कि जितना हो गया अच्छी बात, नहीं होगा कोई बात नहीं, और प्रेशर शिफ्ट करिए यहाँ। इससे क्या होगा, आप जब ये 2 दिन को बोनस मान के करेंगे ना, तो आप ज़्यादा पढ़ाई भी कर लेंगे, क्योंकि चिंता जब होती है तो पढ़ाई नहीं कर पाता है। प्रेशर को लोअर पीसेज में डाल दीजिए, और जो ये भूला हुआ चीज़ें हैं ना, जब आप ये पढ़ लेंगे तो ये अपने आप आपको याद आ जाएगा एग्जाम में, इस पर बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ठीक है। जब प्रेशर आता है, समय बहुत होता है, समय में आपको खुद ब खुद आपका दिमाग ढूंढ निकालता है, अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। एग्जाम देते समय बस कॉन्फिडेंस बनाए रखिएगा, ठीक है, कॉन्फिडेंस बनाए रखिएगा, और ये सोच लीजिएगा कि हो या ना हो मुझे अपना बेस्ट देना है। कुछ लोग पूछ रहे हैं कट ऑफ कितनी जाएगी, बिना एग्जाम का पेपर देखे हुए कैसे कहा जाता है कट ऑफ क्या जाएगी। इसलिए आप अपना बेस्ट दीजिए, जो भी हो सकता है जितना करिए, आपको कोई मतलब नहीं, जो भी होना है सबके साथ होगा, पेपर टफ, समय कम, सबके साथ है, आप अकेले नहीं है। भूलने की बीमारी सभी को होती है, लेकिन इसको बीमारी नहीं, इसको एडवांटेज समझिए, ठीक है। अच्छी चीज़ आप भूल गए,
इसके लिए 2 दिन रिवीजन मारिए, बोनस मारिए और फिर से जाइए इस एग्जाम के लिए, ठीक है। ये बहुत बात हल्की लग रही होंगी, लेकिन जब एक दो एग्जाम आप जब दे लेंगे ना, जब इसको खुद से आप समझेंगे तो आपको वाकई लगेगा कि ये चीज सही थी। प्रेशर को दिमाग में बिल्कुल कम रखिए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए कि मेरा नहीं होगा, अब बस मैं जो पढ़ रहा हूँ बस वो ऐसी जा रहा हूँ, बस देने जा रहे हैं बस, ठीक है। प्रेशर को लोअर पीसेस पे डाल दो कि इसके लिए और अच्छे से पढ़ेंगे, और उस 2 दिन में बोनस पॉइंट लेकर बढ़िया से एग्जाम दीजिए और अल्टीमेट जितना कर सकते हैं करने की कोशिश करिए, बाकी जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, जितनी पढ़ाई आपने इन 24-25 दिन में की है उतना कोई नहीं कर सकता। तो कॉन्फिडेंस रखिए और सब कुछ अच्छा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और कुछ भी मुझे अपडेट मिलेगा 2 दिन के अंदर तो मैं आपको जरूर लेके आऊंगा। करंट अफेयर्स का वीडियो कल आपको मैं जरूर दे दूंगा, ठीक है। तो अन्य कोई अगर बात हो, कोई कंफ्यूजन आपको हो तो नीचे शेयर करिएगा, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।